प्लेटफॉर्म ऑफ द और में अब देखो फिर प्रिंसिपल को ले लेते हैं और कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पर इसका यूज किया जाता है। तो देखो अगर आपको प्लांट फ्यूचर इवेंट एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड ऑफिशियल टाइम टाइम टेबल। देखो अगर आपको ऐसा लगे पहले तो उसको पढ़ लेते हैं। अ प्लान फ्यूचर इवेंट, एक ऐसी इवेंट जिसका पहले से हमने प्लान बना लिया हो, एक ऐसा इवेंट जो पहले से हमारा निर्धारित है और जिसकी ऐसी उम्मीद की गई हो कि वो ऑफिशियल टाइम टेबल के अकॉर्डिंग होगा, तो वहाँ पर क्या करते हैं हम प्रेजेंट सिंपल को यूज करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ द प्राइम मिनिस्टर और यहाँ लिख देता हूँ टुमारो। ठीक, एक और एग्जांपल लिखता हूँ माय फादर और यहाँ लिखता हूँ मैं द नेक्स्ट मंथ। ऑप्शन देता हूँ मैं आपको, यहाँ पर लिखता हूँ मैं अराइव, बी आई राइट हियर अराइव्स, सी मैं लिख देता हूँ अराइव्ड यानी पहुँचना, और डी यहाँ लिख देता हूँ मैं हेड अराइव्ड। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर लिखता हूँ मैं रिटायर्ड, बी यहाँ लिख देता हूँ मैं रिटायर्स, सी यहाँ लिख देता हूँ मैं हेड रिटायर्ड और डी लिख देता हूँ मैं विल रिटायर। ठीक, उसके बाद में अगर इसका यूज कहाँ किया जाता है, न्यूज़पेपर हेडलाइंस आ जाए तो वहाँ पर भी हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। न्यूज़पेपर हेडलाइंस आ जाए तो जैसे सीएम और यहाँ लिख देता हूँ मैं टू कोटा और यहाँ लिख देता हूँ मैं टुमारो। ठीक, और यहाँ लिख देता हूँ मैं वेलकम, बी लिख देता हूँ मैं सेलकम और यहाँ लिख देता हूँ मैं सी लिख देता हूँ मैं कम्स और डी लिख देता हूँ मैं कम। ठीक है, अब सोल्व कर लेते हैं। तो द प्राइम मिनिस्टर इन 12 टुमारो, अब बहुत से तो टुमारो देख करके क्या करेंगे, विल सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, तो ये क्या होगा, गलत होगा। टुमारो को देख करके क्या लगा देंगे, भाई फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर सिंपल टेंस में आता ही है, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। वह तो अगर आपको देखो फर्स्ट प्रायोरिटी तो प्रेजेंट सिंपल को देनी है, अगर ऑप्शन में प्रेजेंट सिंपल नहीं दे रखा है तो फ्यूचर सिंपल को देनी है, अगर प्रेजेंट सिंपल दे रखा है तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी प्रेजेंट सिंपल ही रहेगी, यह आप ध्यान रखना। प्रेजेंट सिंपल है यानी फर्स्ट फॉर्म में, या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी
या फिर फर्स्ट फॉर्म में यस ई एस आई एस लगेगा, ठीक है। यानी एक वचन करता हो तो यस ई एस आई एस लगेगा, बहुवचन करता हो तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो आप देखिएगा क्या यहाँ पर मतलब प्रिंसिपल तो आएगा तो कन्फर्म हो गया, यानी कहने का मतलब है या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म में यस ई एस या फिर आई एस लगेगा। तो प्राइम मिनिस्टर तो क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या है, प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है तो एक वचन करता है, तो देखो सेकंड फॉर्म तो आएगी नहीं यहाँ पर, तो ये भी नहीं आएगी। अब तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, अराइव और अराइव्ड, एक वचन करता है तो यस यस लगेगा, तो बी ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि अराइव में क्या लगा हुआ है, यस लगा हुआ है। ऐसे माई फादर द नेक्स्ट मंथ, द नेक्स्ट मंथ लगते हैं बहुत से बच्चे तो क्या सोचेंगे, ये सोचेंगे कि लगा दो फ्यूचर सिंपल विल सेल फर्स्ट फॉर्म, विल सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म, ऐसा नहीं। सेंटेंस को पूरा पढ़ो, उसके ऑप्शन को देखो क्या चेंज जा रहा है, ये भी क्या है फिक्स्ड प्लान है, फिक्स्ड प्लान है तो यहाँ पर क्या रिटायर्ड आएगा क्या नहीं आएगा, यानी यहाँ पर प्रिंसिपल आएगा या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर फर्स्ट फॉर्म में यस ई एस आई एस आपको मिलेगा। है रिटायर्ड में नहीं आएगा क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट में गया, विल रिटायर्ड नहीं आएगा क्योंकि ऑप्शन में प्रिंसिपल दे रखा है, तो फिर फर्स्ट प्रेजेंट सिंपल को हम प्राथमिकता देंगे, नहीं दिया हो तो अलग बात है तो फिर फ्यूचर सिंपल को देंगे, बट दिया हो तो फिर प्रेजेंट सिंपल को ही अपन प्राथमिकता देंगे। तो माय फादर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, माय फादर क्या है, एक वचन करता है और एक वचन करता है तो उसके साथ या तो यस लगेगा या यस लगेगा या फिर आई एस लगेगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि रिटायर में क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। न्यूज़पेपर हेडलाइंस की बात आ जाए तो वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं, ये सीएम टू कोटा टुमारो आ रहा है तो पढ़े आने दो, लेकिन पहले तो प्रेजेंट सिंपल को हम प्राथमिकता देंगे, यानी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे या फिर फर्स्ट फॉर्म में यस यस या आई एस लगाएंगे। तो विल कम सही है, सेल कम सही है, कम सही है या फिर कम सही, देखो ये तो आएगा नहीं, ये तो आएगा ही नहीं, फ्यूचर सिंपल है तो क्या तो कम आएगा या कम से आएगा, सेम सिमिलर सब्जेक्ट है तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इस प्रकार जैसे बसते तीन को टक्कर मारी, इस प्रकार की बात आ जाए तो ये क्या है, बस हिट्स थ्री मैन, तो ये भी किस में आएगा, ये भी पढ़ेंट सिंपल में आएगा, या न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस है वो पढ़ेंट सिंपल में आती है। और मैं आपको कहता हूँ जो लाइव किसी चीज़ का अगर प्रेजेंटेशन हो रहा हो, लाइव डेमोस्ट्रेशन हो रहा हो, लाइव किसी चीज़ को प्रदर्शित किया जा रहा हो, तब भी हम प्रिंसिपल का यूज करते हैं, ये बात आप ध्यान। और देखो कमेंट जैसे एक कमेंट्रीज करते हैं वहाँ भी प्रिंसिपल का यूज करते हैं। आपने कई बार मैच देखा होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें प्रिंसिपल वो सेंटेंसेस को बोलते हैं। इस प्रकार ये जो प्रिंसिपल अन्य कंडीशन में जहाँ जहाँ यूज किया जाता है वो हमने कर लिया, और देखते हैं और इसके अलावा क्या क्या कहाँ कहाँ पर कंडीशन बन रही है वो भी अब आप देखो और समझो। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जो अपनी चल रही थी सीरीज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये अब इस जो ये लास्ट वीडियो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का, इसमें अपनी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। देखो कंडीशंस पर आधारित कुछ बातें हैं वो देख लेते हैं। यदि इफ लग करके इधर आपको प्रेजेंट सिंपल मिल जाए, प्रेजेंट सिंपल मिल जाए, इफ आ जाए, या फिर यहाँ पर अनलेस आ जाए, अनलेस आ जाए, अनलेस इफ या अनलेस लग करके यदि आपको इधर प्रेजेंट सिंपल मिले और दूसरे सेंटेंस में आपको क्या करना है, फ्यूचर सिंपल बढ़ना है, यानी आपको फ्यूचर सिंपल में क्या करना है, विल सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म, क्या करना है आपको, विल सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब भरनी है। यदि आपको अनलेस या इफ लग करके इधर आपको प्रेजेंट सिंपल मिले, प्रेजेंट सिंपल का मतलब समझ ही गए होंगे आप, जो फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म या तो यस या ई एस या फिर आई एस मिले, यानी इधर आपको प्रेजेंट सिंपल मिल जाए इफ लग करके, तो आपको इधर फ्यूचर सिंपल यानी विल सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म को आपको फिल करना है, ठीक है। एक कंडीशन तो ये हमारे सामने, दूसरी कंडीशन वाला सेंटेंस है यदि इधर अनलेस लग करके, अनलेस लग करके या फिर इफ लग करके
इधर आपको अनलेस या इफ लग करके, यदि आपको यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस मिल जाए, क्या मिल जाए आपको, पास्ट सिंपल टेंस मिल जाए, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल का मतलब सेकंड फॉर्म, मान लीजिएगा आप यहाँ पर सेकंड फॉर्म ये मिल जाए तो आपको इधर क्या बनना है, आपको इधर वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म करनी है। वुड और वुड नहीं दे रखा हो तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये आपको बननी रहेगी, ठीक है। और ऐसे ही थर्ड कंडीशन है, यदि अनलेस या इफ लग करके, अनलेस लग करके या इफ लग करके, इधर आपको पास्ट परफेक्ट मिल जाए, पास्ट परफेक्ट मिल जाए, तो पास्ट परफेक्ट का मतलब हुआ हेड प्लस थर्ड फॉर्म, तो आपको जो सेकंड सेंटेंस है उसमें आपको वुड हैव या वुड या शुड, वुड या शुड हैव प्लस वुड या शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब को फिल करना है। और या तो आपको देखो, बुरी बात सुनो, इफ लग करके इधर प्लेन सिंपल है तो इधर विल फर्स्ट फॉर्म दे देगा या सेल्फ फर्स्ट फॉर्म दे देगा, ठीक है। अगर दोनों भी दे दिया तो या तो आप पहचान लोगे कि आई वी के साथ किसका यूज करते हैं, सेल का करते हैं, और बाकी के अन्य सब्जेक्ट है उनके साथ किसका यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। और इसमें इस प्रकार सेंटेंस में अनलेस या इफ लग करके पार्ट सिंपल आ रहा हो तो या वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म बनेंगे या शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म बनेंगे। देखो दोनों में से कौन सा भी सही आ सकता है, कौन सा भी आ सकता है, या तो आप वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म या फिर शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, दोनों को कभी वो साथ नहीं देगा, ठीक है। या तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म या फिर शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, ऐसे अनलेस या इफ लग करके पास्ट परफेक्ट आ रहा है और हेड प्लस थर्ड फॉर्म इसका मतलब हो गया, तो आपको या तो उड़े थर्ड फॉर्म बनना है या सुड़े थर्ड फॉर्म बनना है, ये साथ कभी नहीं देगा, या फिर आपको कूड़े प्लस थर्ड फॉर्म दे दे इतना, ठीक है। अगर कूड़े प्लस थर्ड फॉर्म दे दे, मतलब या तो आपको इधर उड़े प्लस थर्ड फॉर्म दे देगा या सुड़े प्लस थर्ड फॉर्म दे देगा या कूड़े प्लस थर्ड फॉर्म दे देगा, तीनों एक साथ कभी आपको नहीं देगा। तो अब हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आ गया इफ, इफ सी इन्वाइट्स मी, If she invites me, I come in the birthday party. Birthday party. Birthday party. यहाँ लिख देता हूँ मैं welcome, welcome be. यहाँ लिखता हूँ मैं welcome. सेलकम सी, यहाँ लिख देता हूँ मैं कम्स डी, यहाँ लिख देता हूँ मैं कम, यहाँ लिख देता हूँ मैं कम, ठीक। उसके बाद में यहाँ लिखता हूँ मैं इफ यू हार्ड वर्क यू, और यहाँ लिखता हूँ पास इन योर एग्जामिनेशन, इन योर एग्जामिनेशन, ठीक। यहाँ लिख देता हूँ मैं ए में लिखता हूँ मैं पास्ट, बी में लिखता हूँ मैं विल पास, सी में लिखता हूँ मैं वुड पास, और डी में लिखता हूँ वुड हैव पास्ट, ठीक। उसके बाद में मैं आपको फर्स्ट सेंटेंस सेकंड और मैं थर्ड सेंटेंस आपको लिखता हूँ। फर्स्ट हो गया सेकंड, थर्ड में लिखता हूँ मैं If you had prepared food
for him he food or merely town will have eaten बीमे लिखता हूँ मैं sell have eaten और सीमी लिखता हूँ मैं would have eaten और डीमी लिख देता हूँ मैं डीमी लिख देता हूँ मैं will eat। चलो इनको सॉल्व कर लेते हैं। Let's solve all these examples। देखो if she invites me तो if लग करे क्या आ रहा है, पार्टिसिपल सिंपल आ रहा है। पार्टिसिपल सिंपल का मतलब फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा हुआ है, यस लगा हुआ है, तो पार्टिसिपल सिंपल लगा है। तो दूसरी तरफ क्या आएगा, फ्यूचर सिंपल का आएगा। फ्यूचर सिंपल का मतलब विल सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो देखो या तो यहाँ विल फर्स्ट फॉर्म आएगी या सेल फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये ऑप्शन तो अपना क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि या तो विल फर्स्ट फॉर्म आएगी या सेल फर्स्ट फॉर्म आएगी, और आए के साथ तो क्या आएगा, सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। जैसे इफ यू हार्ड वर्क, देखो यहाँ पर क्या आ रही है, सेकेंड फॉर्म आ रही है, क्या आ रही है यहाँ पर, सेकेंड फॉर्म, यानी इफ लग करके इधर सेकेंड फॉर्म आ रही हो, या नो कर सकते पार्ट सिंपल आ रहा हो, तो इधर क्या होगा, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म या वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर आएगी। तो ये तो विल तो आने का नहीं, यहाँ पर पास्ट भी यहाँ पर नहीं आएगा, वुड पास या वुड हैव पास्ट, वुड हैव पास्ट भी नहीं आएगा, क्योंकि इधर सेकेंड फॉर्म दे रखी है। तो या तो इधर वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, यानी सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल, सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऐसे ही इफ यू हैड वर्क हैड प्रिपेयर्ड, देखो इफ लग करके या अनलेस लग करके, अनलेस भी आ सकता है यहाँ पर, इफ की जगह क्या दे सकता है आपको, अनलेस भी दे सकता है, तो आपको घबराना नहीं है, बात वही। तो इफ लग करके इधर हेड प्लस थर्ड फॉर्म दे रखी है, यानी इफ लग करके इधर पास्ट परफेक्ट दे रखा है, तो इधर वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म या फिर कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर क्या है, विल हैव रिटर्न ये तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ तो वुड शुड कुड इस प्रकार आएगा। तो शुड को देख लेते हैं, शुड हैव रिटर्न, वुड हैव रिटर्न, मैंने आपको कहा था शुड हैव रिटर्न, शुड और वुड एक साथ नहीं देगा, तो मैं शुड को क्या बना लेता हूँ, यहाँ पर मैं इसको सेल बना देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था डियर स्टूडेंट्स कि आपको वुड हैव थर्ड फॉर्म, शुड हैव थर्ड फॉर्म ऐसा एक साथ नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल आप नहीं मिलेगा। यहाँ भले विल फर्स्ट फॉर्म सेल फर्स्ट फॉर्म आ सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो देखो ये भी नहीं आएगा, सेल हैव रिटर्न और विल फर्स्ट फॉर्म, ये किस में चला गया, फ्यूचर सिंपल में, तो क्या आएगा, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, इधर हेड इफ या अनलेस लग करके हेड प्लस थर्ड फॉर्म दे रखा हो, तो इधर वुड हैव थर्ड फॉर्म, शुड हैव थर्ड फॉर्म या कुड हैव थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, यानी हमारा ऑप्शन सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको तीन कंडीशन समझाए, एक बार फिर देख लीजिएगा कि आपको इधर इफ लग करके या अनलेस लग करके आपको यहाँ पर पोटेंशियल मिलता है, जिसकी पहचान होती है या तो फर्स्ट फॉर्म आती है फर्स्ट फॉर्म या फिर यस ईएस या फिर आईएस आता है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म या सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म को हम फिल करते हैं। उसी प्रकार से सेकंड कंडीशन हमने देखी, अनलेस या इफ लग कर इधर पार्ट सिंपल आता है, यानी सेकंड फॉर्म इधर आती है इफ या अनलेस लग करके, तो इधर वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म या शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा, या तो आपको वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म दे देगा या फिर आपको शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म दे देगा। ऐसे अनलेस या इफ लग करके आपको इधर पास्ट परफेक्ट मिले यानी हेड प्लस थर्ड फॉर्म मिले, तो आप या तो वुड हैव थर्ड फॉर्म देगा या आपको ऑप्शन में शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म देगा या फिर कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म देगा, आपको एक साथ ऐसा कभी नहीं देगा। देखो मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि कहीं भी आपके एक चीज भी बाहर नहीं चले जाए, इसके बाहर कुछ भी नहीं, ये हमारा मिशन है, ये हमारा टारगेट है, हमारा पर्पज है, ताकि बच्चे को कोई भी चीज़ छोटी सी भी चीज़ इधर उसे उधर देखनी नहीं पड़ जाए, हर चीज़ उसको यहाँ पर ही अवेलेबल हो जाए, ऐसी हमारी इच्छा है आपके सामने। जिसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं
वो इसका स्क्रीनशॉट ले ले और हमारी वीडियो को आपके दोस्तों तक, हर फ्रेंड तक इस वीडियो को पहुंचा दे, ताकि उसको मजा आए देखते कि देखो कितनी शानदार टीचिंग है और कितने बेहतरीन ढंग से मेहनत के साथ, विथ फुल हार्ड वर्क के साथ हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, और उनको ये बात समझ में आ जाए। धन्यवाद। तो स्टूडेंट्स, अपन प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे थे अपने, अब बात करते हैं वापस प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस पर। देखो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस को एडोप्ट के अकॉर्डिंग तो हमने पढ़ लिया था, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दिस डेज, ये आ जाए तो हम क्या करते हैं, स्टिल आ जाए, ठीक है, नाउ डेज आ जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस को फील करते हैं। लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस और भी होती है जहाँ पर हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस को फील करते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का मतलब आपको पता है कि सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस ing in the past form of the main verb, क्या है ing in the past form of the main verb plus object, इसका मतलब है is, am, are plus ing in the past form of the main verb, right? तो कौन कौन सी कंडीशन है, अगर देखो एक सेंटेंस इधर दे रखा हो और उसमें आपको डोंट लग करके past form दे रखी हो एक सेंटेंस में, तो दूसरे सेंटेंस में आप क्या फील करना है, आपको एच एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी फील करना है। जैसे कि एग्जाम्पल देख लो, डोंट शाउट और यह लिखता हूं मैं बेबी और ठीक खालिस्तान। उसके बाद में यहां पर वो स्लीपिंग नहीं देता हूँ, बी या स्लीपिंग लिख देता हूँ, इट्स स्लीपिंग, राइट, सी लिख देता हूँ मैं, हैव स्लेप और डी लिखता हूँ मैं, हैड स्लेप, ठीक, एक तो हो गया इसका रूल। दूसरा रूल है, अगर लुक हो एस्टिमेटरी निशान है रखा उसके बाद में, तो वहाँ पर भी प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस यानी ईच, एम, आर प्लस फर्स्ट फॉर्म में क्या करते हैं, आई एन जी को फील करने का काम करते हैं, यानी जब आप बस फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, देखो लुक यानी देखो लुक ही, और यहाँ लिखता हूँ मैं आफ्टर द बस, आई राइट हियर आफ्टर द बस। इसके बाद में और यहाँ लिख देता हूँ मैं वॉज रनिंग, बी लिख देता हूँ मैं एम रनिंग, सी लिख देता हूँ मैं इज रनिंग और डी लिख देता हूँ मैं वॉज रनिंग, तो हमने लिख दिया, यहाँ लिख देता हूँ मैं वर रनिंग लिख देता हूँ मैं वर रनिंग, ठीक। एक एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, लेता हूँ मैं अभी लुक देख, अब यह लिखता हूँ मैं द डॉग्स और यहाँ लिख देता हूँ मैं ए प्यूरी, राइट। एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं वॉज बार्टिल, बी यहाँ लिख देता हूँ मैं वर्ड बार्टिल, सिंग यहाँ लिख देता हूँ मैं आर बार्टिल और डी यहाँ लिख देता हूँ मैं हेज बीन बार्टिल। चलो सॉल्व कर लेते हैं अपन इनको। देखो डोंट इधर दे रखा हो, जब पोस्टपोन दे रखी हो, या डू नॉट बस पोस्टपोन इधर दे रखी हो,
उस सेंटेंस इधर खालिस्तान दे रखा हो, ब्लैंक दे रखा हो, तो एक आवाज बस स्पष्ट होने जी बोलते हैं, जिसकी डोंट साउंड चिल्लाओ बेबी। अब डोंट बस स्पष्ट हो रही है तो बेबी इज स्लीपिंग, यानी कहने का मतलब है भाई ये वचन है बेबी तो ये जाएगा वो स्पष्ट हो रहे जी, तो इज स्लीपिंग, इज स्लीपिंग, इज स्लीपिंग, यानी हमारा बी ऑप्शन इज ए सुकी एक ऑप्शन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट ऑप्शन है। लुक लुक ही ब्लिंक आफ्टर द वर्थ, तो लुक के बाद नेक्स्ट में ट्रेसर आए और जिन क्रिप्टोस आएगा वो ही के साथ तो क्या है ही जाता है और स्पष्ट में एन जी, ये हमारा क्या है जो सही विकल्प है वह सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो सी इज द करेक्ट आंसर। रनिंग आएगा नहीं पास्ट कंटेंस की तो बात ही नहीं रही यहाँ पर, यानी इसके साथ लगेगा नहीं अभी प्रेजेंट टेंस का है। वो जो रनिंग भी किस वजह से आएगा आप पास्ट कंटेंस में चला गया लिस्ट देखते हैं। लुक एस्टिमेटेड वर्क विस्मारी वो चिल चिल द डॉग्स एट मी, वो जो बार भी नहीं है पास्ट कंटेंस में गया, वो बार भी नहीं है पास्ट कंटेंस में गया, एट मी बार भी नहीं है प्रेजेंट परफेक्ट कंटेंस की बात से हो रही, यहाँ बात से बात हुई इस प्रकार ने टेंस को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा है और एक मतलब एक बार फिर कुछ है जो इसके पेप्स प्लेटफॉर्म ऑफ द वर्क के वो मैं आपको बता देता हूँ। वो जिसने स्क्रीन शॉट नहीं लिया है वह स्क्रीन शॉट ले लें और फिर उसके बाद में आप नोटबुक में लिख सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा और आप अधिक से अधिक आप अपने दोस्तों तक अपने फ्रेंड्स तक फिक्स स्टडी आप ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करने के लिए वहाँ तक पहुँचा दें, उनको बता दें भले देखो वीडियो कितनी ज़्यादा बन रही है अपनी लेकिन एक भी चीज़ में आपको आप छोड़ना नहीं चाहता जी बिल्कुल चुराना ही नहीं चाहता, भले टाइम लग जाए मेहनत लग जाए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन बच्चे तक वास्तव में जो कंप्लीट नॉलेज है कंप्लीट नॉलेज पहुंचे। और जैसा मैंने आपको वादा किया था जहां तक पूरा कोर्स आपका कंप्लीट नहीं हो जाएगा वो भी डिटेल वाइज एक एक चीज़ बारीकी से वहाँ तक मैं ना तो रुकूँगा ना थकूँगा और आपका एक प्यार और रिश्ते इस प्रकार मुझे मोटिवेट करता रहेगा। धन्यवाद। प्लेटफॉर्म ऑफ द वर्ब में लास्ट रोल है जो मैं आपको समझाऊंगा, इसके बाद में जो न्यू टॉपिक है एक दो स्पेसिफाइज को ले लेंगे तो समझ लेते हैं। देखो अगर आपको दो सेंटेंस दे रखे हो यहाँ पर वेन या एज आ जाए, अगर इधर आपको सिंपल पास्ट टेंस दे रखा है और इधर भी सिंपल पास्ट टेंस कब आएगा, या फिर इधर सिंपल पास्ट टेंस दे रखा है तो इधर सिंपल पास्ट टेंस कब आएगा, जब दोनों सेंटेंसेज में होने वाले कार्यों में वजह का संबंध हो। तो अगर इधर सिंपल पास्ट टेंस दे रखा है तो फिर इधर भी सिंपल पास्ट टेंस ही भर देंगे, कब भरेंगे जब दोनों सेंटेंस में होने वाले कार्यों में वजह का संबंध दे रखा हो। तो इधर अगर सिंपल पास्ट टेंस है तो इधर भी सिंपल पास्ट टेंस ही आएगा, आप ये मान लीजिएगा। और इसी प्रकार से इधर अगर पास्ट कंटिन्यू टेंस दे रखा होगा तो इधर भी पास्ट कंटिन्यू टेंस कब आएगा, जब दोनों सेंटेंस में होने वाले कार्यों में वजह का संबंध नहीं हो। इधर भी पास्ट कंटिन्यू टेंस दे रखा हो और तो इधर भी पास्ट कंटिन्यू टेंस कब आएगा, जब आएगा जब दोनों सेंटेंस में होने वाले कार्यों में वजह का संबंध ना हो। मान लीजिए कि इधर भी सिंपल पास्ट टेंस आ गया और तो इधर पास्ट कंटिन्यू टेंस कब आएगा, जब ये रहेगा कि दोनों में होने वाले कार्यों का कोई संबंध नहीं है। एग्जाम्पल से आपकी बात और क्लियर हो जाएगी। जैसे वेन समवन नॉट एट द डोर, जब किसी ने दरवाजा खटखटाया तो मैंने इस दरवाजे को खोला, तो खटखटाया जब भी तो खोला नहीं, खटखटा दे तो क्यों खोलते, यानी कहने का मतलब यह है कि इधर क्या आ रहा है पार्ट सिंपल टेंस आ रहा है तो इसका प्रभाव इधर पड़ रहा है तो इधर भी पार्ट सिंपल टेंस आएगा, ये तो बात कही मैंने। अगर इधर सिंपल पास्ट टेंस आ रहा है उसका प्रभाव दूसरे सेंटेंस में भी पड़ रहा है तो उधर भी पास्ट सिंपल ही आएगा, ठीक है। तो वेन समवन नॉट एट द डोर,
जब किसी ने दरवाजा खटखटाया तो मैंने इसको खोला, यानी सेकंड फॉर्म यहाँ पर आ जाएगी, आई ओपन्ड इट, मैंने इसको खोला, यानी हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर क्या है, एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऐसे व्हेन द चीफ गेस्ट एंटर्ड द हॉल, जब मुख्य अतिथि ने हॉल में एंट्री मारी, एंट्री वाले सेकंड फॉर्म आ रही है, इसका प्रभाव दूसरे पे भी पड़ रहा होगा, द पार्टी वर्कर, एंड जो पार्टी के वर्कर्स थे उन्होंने सैल्यूट किया, उनको अभिवादन किया उनका, तो यहाँ पर भी क्या आएगी, सेकंड फॉर्म में आ जाएगी। मैंने यही तो बात कही आपसे, यही तो बात कही है कि इधर अगर सेकंड फॉर्म आ रही है, पार्ट सिंपल टेंस आ रहा है, उसका प्रभाव दूसरे सेंटेंस के ऊपर भी पड़ रहा है, उसकी वर्ब पर पड़ रहा है, तो वहाँ भी सिंपल पास्ट टेंस आएगा। ऐसे देखो यहाँ पर पड़ रहा है ना प्रभाव, व्हेन द चीफ गेस्ट एंटर द हॉल, जब चीफ गेस्ट ने हॉल में एंटर हुए, अगर एंट्री नहीं होते तो पार्टी के कार्यकर्ता सैल्यूट ही नहीं करते, तो यानी किसके ऊपर प्रभाव पड़ा, जो सैल्यूट है उस शब्द के ऊपर प्रभाव पड़ा, क्योंकि एंट्री होने के कारण सैल्यूट किया गया। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल एकदम करेक्ट ऑप्शन है। ऐसे आप देख लो थर्ड वाले को, व्हेन माई ब्रदर वॉज रीडिंग अ नॉवल, जब मेरा भाई नॉवल पढ़ रहा था, माय पेरेंट्स, देखो इधर पास्ट कंटिन्यू टेंस आ रहा है, पास्ट कंटिन्यू टेंस आ रहा है, अगर इधर पास्ट कंटिन्यू टेंस आ रहा हो, इसका प्रभाव इधर कहीं भी नहीं पड़ रहा हो, तो फिर इधर भी पास्ट कंटिन्यू टेंस ही आएगा, पास्ट कंटिन्यू टेंस आएगा। व्हेन माय ब्रदर वॉज रीडिंग अ नॉवल, जब मेरा भाई नॉवल पढ़ रहा था, तो माय पेरेंट्स वर वॉचिंग टेलीविजन, तो मेरे पेरेंट्स टेलीविजन को देख रहे थे, तो भाई तो नॉवल पढ़ रहा था, मम्मी पापा टेलीविजन देख रहे थे, तो इनके तो कार्यों का प्रभाव पड़ ही नहीं रहा है। तो ये तो कह रहा हूँ मैं, अगर इधर पास्ट कंटिन्यू टेंस आए, तो इधर पास्ट कंटिन्यू टेंस तब भराई में आएगा, कब भराई में आएगा, जब इसका प्रभाव इस सेंटेंस पर नजर नहीं आए। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए, इधर पास्ट कंटिन्यू टेंस आ रहा हो, ठीक है, उसके बाद दूसरे तरफ जो सेंटेंस भराई में आएगा वो भी पास्ट कंटिन्यूस भराई में आएगा, लेकिन कब फील होगा, जब उसके में पास्ट उस सेंटेंस का प्रभाव दूसरे सेंटेंस में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ थोड़ी आ रहा है, जब मेरा भाई नॉवल पढ़ रहा था तो मेरी मम्मी पापा टीवी देख, मेरे पेरेंट्स टीवी देख रहे थे, तो बिल्कुल भी ये प्रभाव मतलब नहीं पड़ रहा है, तो बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन है। वैसे और देखो आप, व्हेन आई एंटर्ड द रूम, जब मैंने रूम में एंटर्ड किया, तो माय वाइफ, मेरी पत्नी म्यूजिक को सुन रही थी, तो यहाँ पर प्लस सेकंड फॉर्म आ रही है, लेकिन इसका प्रभाव यदि इधर नजर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म ना करके इधर पास्ट कंटिन्यू टेंस ही भरेंगे, भले ही सेंटेंस में सेकंड फॉर्म आ रही है, लेकिन इसका प्रभाव यहाँ नहीं पड़ रहा है, पहले तो पार्ट सिंपल भरेंगे, लेकिन प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो इधर पास्ट कंटिन्यू टेंस ही भराई में आएगा, फील होगा। जैसे व्हेन आई एंटर द रूम, जब मैंने कमरे में प्रवेश किया, माई वाइफ, तो उसने सुना तो हाई आएगा ही नहीं, क्योंकि उसके आने के कारण वो म्यूजिक को ही सुन रही है, वो तो पहले से सुन रही है, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, तो यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस आ जाएगा, माई वाइफ एक वचन है, तो वो वॉज लिसनिंग, तो जब मैंने कमरे में प्रवेश किया तो मेरी पत्नी म्यूजिक को सुन रही थी, या पास्ट कंटिन्यूस क्यों लिखा अपन ने, सेकंड फॉर्म यहाँ आ रही थी तो रूम तो सेकंड फॉर्म उधर भरा, लेकिन यहाँ इसलिए सेकंड फॉर्म नहीं भरा क्योंकि पत्नी के ऊपर या पत्नी के द्वारा किए हुए कार्य के ऊपर इस सेंटेंस का स्पष्ट का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, इसलिए यहाँ पर पास्ट कंटिन्यू टेंस ही फील होगा। ऐसे और देखो, द स्टूडेंट्स वर प्लेइंग चेस, स्टूडेंट्स चेस खेल रहे थे, व्हेन द प्रिंसिपल, अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, वॉज वर प्लेइंग आ रहा है, अगर मैंने एक बात आपसे कही थी, इधर पास्ट कंटिन्यू टेंस आ रहा हो, इधर पास्ट कंटिन्यू टेंस आ रहा हो, तो इधर सिंपल पास्ट टेंस भी आ सकता है और पास्ट कंटिन्यू टेंस भी आ सकता है, अब सेंटेंस के सेंस को पर भी डिपेंड करता है हम उसको कैसे फील कर रहे हैं। द स्टूडेंट्स वर प्लेइंग चेस, स्टूडेंट चेस खेल रहे थे, व्हेन द प्रिंसिपल वॉज एंटरिंग, प्रवेश कर रहा था जब प्रिंसिपल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जब उन्होंने प्रवेश किया, यानी सेकंड फॉर्म आएगी, जब उन्होंने प्रवेश किया, जब बच्चे चेस खेल रहे थे, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा सही रहेगा, हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो डियर लर्नर्स,
आपके क्रेडिट फॉर्म ऑफ द वर्ब से, ये मैंने मन से और हर तरीके से आपके सामने बारीकी से बारीक का हर जो रूल्स हैं, जितने भी नियम हैं, वे आप मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा एक्टिव स्पेसिफाइज़। जो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें।